वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आयशी स्टाइल पे वेलकम सबको। और हाँ, आप लोगों को बताया हुआ था कि घर को कलर करवाना है, तो स्टार्ट हो चुका है। और घर कलर स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि चीज़ें समेटना स्टार्ट कर दी हैं कि अब घर को कलर कैसे करना है, क्या करना है। सारी चीज़ें समेट के एक जगह पर हम लोग रखेंगे, उसके बाद फिर जिसने कलर करना है वो आएंगे और कलर करेंगे। और घर बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, तो वो है ना बात कि क्रिसमस आया नेड़े ते साइया न कोई ना छेड़े, तो बस इसलिए बस अब घर को कलर करवाएंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो करनी है, तो वो साथ साथ आपको बताती भी रही थी अपने व्लॉग्स में कि यही करना है। तो अब बस स्टार्ट हो गया, तो घर को दिखाती हूँ किस तरह से मैसी हुआ है सारा। तो आज मैं और पापा, क्योंकि घर है तो फिर पापा ने और मैंने मिलकर हमारे बेड सरप्राइज़ को खोला है और नीचे गंदी गंद है। तो ये है हमारे बेड की हालत। और ये मेरा रूम है जो अभी तो इस तरह से नज़र आ रहा है, पर जब अब फुल कलर हो जाएगा ये पता नहीं अब इसका क्या करेंगे ये लोग। मुझे इसकी टेंशन हो रही है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी बेस्ट 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 मेमोरीज में से कुछ एक है। तो ये बहुत मेहनत से वैसे भी लगाया था हमने ऊपर, तो अब देखते हैं क्या होता है। मम्मा भी यहाँ आ चुकी है, बाबा यहाँ काम कर रहे हैं, ये गद्दा पड़ा है, बाकी ये हमारा कंप्यूटर और पीसी भी है। मतलब हर चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा में होती है हमेशा। तो अब बस खुदा ने चाहा सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। और ये पापा चीज़ें कर रहे हैं और पापा कह रहे हैं झाड़ू एक ही दफ़ा लगाना। वैसे मैं लगा चुकी थी, मैं हर चीज़ कर, मतलब अब पानी वाला मेरा काम रह गया था, पर क्या कि मतलब मेरा हाय मेरा एनर्जी नज़र आ रहा है, हाय हाय हाय। तो ये पीछे पापा है। तो बात ये थी कि मुझे इतने दिन से मेरी तबीयत सही नहीं हो रही, कोशिश बहुत कर रही हूँ कि ठीक हो जाऊँ, पर कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, अब मैं मिलल में साफ लगाऊँ का नज़र आ रही हूँ। हमारा मिलल गंदा गंदा है, हाँ वो अभी जाहिर सी बात है ये खोला ना, तो इसलिए होगा। ओके, तो बस साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना कि कैसा है मेरा घर। और मैंने फुल होम टूर नहीं अभी तक करवाया, वो भी करवाऊंगी जब कलर हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ चीज़ें, क्योंकि हमारे किचन में भी है और काफ़ी ज़्यादा घर में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब 50 फटे आया, हाँ मैं भी वही देखे आगे, तो इसके नीचे से 50 का नोट फटा हुआ मिला। वैसे पापा को पहले मुझे ही मिला था, मैंने देख लिया था, फिर मैंने जब देखा कि फटा हुआ तो मैंने वापस बीच में रख दिया। मैंने कहा ना बाबा क्या लेके करना है, तो इसलिए। बाकी ये है कि साथ बने रहो। और हाँ फिर से कह रही हूँ, लाइक शेयर तो कमेंट कर दो यार, हाँ सपोर्ट करो। और हाँ क्या कहना था, कुछ बातें करनी है पर वो करते हैं फिर। जाना था आज मार्केट भी, अब देखते हैं मार्केट जाते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ दुपट्टे वगैरह हैं जो मैचिंग के लाने हैं। शॉपिंग थोड़ी थोड़ी हो गई है, थोड़ी थोड़ी रह गई है। एहसान अंकल की भी आज कॉल आई थी कि तेरा जो दूसरा वाला सूट है वो मैं कटिंग करने लगा हूँ, मतलब वो जो दिया मेन वाला वो नहीं, एक और मैंने दिया जो कि मुझे किसी के फंक्शन में पहना है। वो फंक्शन किसका होगा वो भी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा, उसका भी व्लॉग आएगा। तो हाँ साथ बने रहोगे तो फिर हर एक चीज़ को वॉच करोगे, ये बात याद रखना बस। इसलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, यहाँ सारे काम करने में पीछे ना तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ जी, और यहाँ पापा जो है ना अब ये खोल रहे हैं, ये हमारा ज़बरदस्त सा सीन पार्ट हो रहा है। ये इस तरह से कुछ खुलता है और ये मैं संभाल के रखूँगी अब। इतने रहने। ते बाबा जी तो फिर झाड़ू लगावांगी। एक थेल हो तो कहनगी समय भी, मम्मा ने मेरी गल मुँह दिखो ली। ये देखो ये री शॉपर, और हम इसमें डाल देते हैं, मम्मा डालियो। तो यहाँ भी खुल रहा है। तो मैं भी लोग ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो आज फिर हम लोग चर्च के बाद जो है ना मार्केट में है। और ये हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग, सब्ज़ी ले रहे हैं हम लोग, सस्ती सब्ज़ी ना, हाँ वही मम्मा ले रही है यहाँ पे। और ये कौन सा हलीम सेंटर है पता नहीं, हलीम यहाँ की हलीम नहीं, हलीम नहीं, निहारी
यहाँ आगे बड़े मशहूर साहिब वालों की। हम यहाँ से ले रहे हैं, हम मम्मा यहाँ पे मूलियाँ ले रही है और मूली के परांठे भी बनेंगे और सैलड भी बनेगा। तो बस यहाँ मम्मा ले रही है और मम्मा गरीब पत्ते उतार के दो, पंजाब ऐसी थोड़ी यहाँ से तो कराची थी। तो बाकी देखते हैं अब क्या आता है, बाकी काफ़ी चीज़ें ले ली हैं। ये पापा है और पापा और अलीजा, यहाँ सारी चीज़ें भरी हुई है, हमें ले लिया। अब ये हम घर जाके दिखाएंगे क्या क्या लिया है। और अलीजा के पास चलते हैं। अलीजा क्या क्या खाया मुझे ये तो बताओ। जैली और केला खाया और कुछ नहीं खाया। तो इसने जैली और केला खाया और बाकी चीज़ें घर पे जाके दिखाऊंगी। सारी सब्जियां ही हैं फिलहाल, सब्जियां और फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में मुझे क्योंकि चीकू पसंद है तो मैंने चीकू लिए हैं, भाई के लिए बनाना शेक के लिए बनाना लिए हैं, और ये अम्मी ने अपने लिए कुछ फ्रूट लिया है, पता नहीं क्या होता है ये जो कि लिया है अम्मी ने, और ये गाजरें लिए जो कि उसका भी जूस ही निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें लिए। अब मिलते हैं घर जाके, मामा के हाथ में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, मेरे हाथ में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो मिलते हैं घर जाके। तो ये है घर की सिचुएशन और आ चुकी हूँ मैं घर पर, और पीछे हैं भाई शान और इस तरफ है भाई, और मैं व्लॉग क्योंकि नहीं कंटिन्यू कर पाई थी, और अब घर आ चुके हैं और मामा बना रही है खाना। तो आई थिंक सो चलते हैं मामा की तरफ, देख के आती हूँ। और यहाँ ये बंदा है मौजूद, ये हमारी मूली, ये अब 3 से 4 जो है मैं क्रश कर दूँगी ताकि सुबह मैंने मामा ने और भाई नहीं खानी होती, तो काफ़ी होगी हमारे लिए। और मामा यहाँ बना रही रोटी हमारे लिए, हाय कर दिया। आए यहाँ जैक फिर से, जैक यहाँ फिर से बीमार होके अम्मी के पास लेटा हुआ है, क्योंकि ये अम्मी रोटी बना रही हो तो ये अम्मी के पास ही होता है, ये कहीं नहीं जाता। ऐसे जितना भी हम कहेंगे ना बाहर निकल, ये नहीं निकलता। तो फिर मैं आ गई अब अपने किचन में, और कलर पता नहीं कब शुरू होगा। सारी चीज़ें तो हमने कर दी हैं, पर अब 2 दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसने आना है कलर के लिए वो आ जाए। और यहाँ क्योंकि मेरा NIC नज़र आ रहा है ना, तो उसकी वजह से मैं ऐसे कर रही हूँ। और हाँ, मैं वीवो पर व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा वीवो का फ़ोन है, तो मैं अपने वीवो के मोबाइल पे ही व्लॉगिंग कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने लाइट भी ऑन कर दिया, तो अब मैं सही नज़र आ रही हूँ। आई ओके, तो ये के बस अब यहाँ पे ये शोर करना स्टार्ट हो गया, दे। इसे ना चीकू चाहिए जो कि मेरे भी फेवरेट है, तो बस अब ये वो मांग रहा है, और अब रोटी खाएँगे और फिर उसके बाद देखते क्या करते हैं, ठीक है ना। तो साथ बने रहो बस। सो नेक्स्ट डे हो चुका है और मम्मा सारा घर की मैंने सफाई भी कर ली है, मम्मा भी आई है काम से, तो अब मम्मा भाई को निकाल के दे रही है जूस गाजर का फ्रेश। तो बस अब ये आपके सामने, और फिर आज 7 बने रहिएगा, तो फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं और ज़्यादा। और कलर वाले हमारे नहीं आ रहे, पता नहीं काम मरे हैं सारे, अल्लाह खुदा माफ करी। पर गुस्सा आ रहा है ना, मतलब घर मेरा सारा बिखरा हुआ है और मैं इस तरह से इतना बिखरा घर कभी भी नहीं रखती, तो बस इसलिए। और यहाँ मम्मा बस जूस बना रही है भाई के लिए, तो फिर साथ बने रहो, देखते हैं क्या करते हैं। और ये लीडो खेल रहा है और लीडो की आवाज़ पीछे से आ रही है, लीडो में जो मतलब साथ होते हैं लाइव लीडो खेल रही है। तो बस कैसा ज़बरदस्त जूस निकालने का तरीका चाइना ने, तो बस कमाल ही किया है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। और यहाँ भाई बैठा हुआ है, और ये हमारे रूम की हालत है अभी की ये हालत है, फिर उसके बाद दिखाऊंगी क्या हालत होगी। और यहाँ भाई आ चुका है जिसने कलर करना है, और भाई गाने लगा के बैठ चुका है, और ये ना हो कि कॉपीराइट आ जाए, तो हम निकलते हैं रूम से बाहर। रूम किया है मैंने लोग, और चीज़ मैंने छत पे रखी है, तो मैं वो भी दिखाती हूँ कि सब कुछ मैंने इस तरह से अपने छत पे रखा है। और ये बेड जो खुला है वो है, और ये अंदर बच्चे खेल रहे हैं, ये सारा बच्चों का दारमदार हुआ है। और फिर जो नीचे प्रेस कपड़े थे वो सारे यहाँ ला के रखे हैं,
तो बस ये इस तरह से अब तो अभी बिखरा बिखरा मेरा घर हुआ है सारा। और फिर उसके बाद दिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तो अब अरे वाह, और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड लेती हूँ। और चैनल को लाइक से लाइक यार मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरा गला खराब, मैं चीख चीख के बोल रही। तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर देना, ठीक है। और आई होप कि ये भी छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आए। बाकी जैसे जैसे कलर स्टार्टिंग होता जाएगा, जो कुछ भी करते जाएंगे वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और हाँ, साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और खूब सारी सपोर्ट करो यार, कि अपने अपने घर को या अपने आप को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपने लाइफ स्टाइल को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इवन कि मैं कोई वर्क कर रही होती तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इस टाइम स्काई बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, तो मतलब मैं थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ छत पर रह के। मैं यही होता है कि मैं जब भी अकेली होती हूँ या कुछ भी मेरे साथ होता है तो मैं छत पे आना पसंद करती हूँ। और इस साइड को आप देखो, व्यू चेक करो बस, डर सी जताई वाला चल रहा। तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आज का, मैं नहीं चाहती कि इतना लंबा हो, क्योंकि तीन से चार दिन मैंने यही व्लॉग चलाया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और वो भी व्लॉग आज से ही मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है ना। मैं टेंशन नहीं लो कोई भी ले कि मैं व्लॉग शायद कंटिन्यू नहीं करूँगी, कंटिन्यू कर दूँगी। तो फिर यह है कि साथ बस बने रहो और इन्जॉय करते रहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर से कह रही हूँ लाइक शेयर और कमेंट कर देना। बाय बाय।